खानपुर के लठौरा स्थित थिथौला आईओसी तेल डिपो में डीजल पेट्रोल और केरोसिन तेल की सप्लाई खेतों में बिछी पाइप से होती है। किसानों का कहना है कि करीब 20 साल पहले भूमि का मुआवजा दिए बिना ही खेतों में पाइपलाइन बिछा दी गई थी। अब आईओसी की तरफ से मिट्टी की खुदाई कर पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर किसान धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की मांग है कि किसानों को जमीन का सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, साथ ही पाइपलाइन को सभी जगह 20 फीट गहरी की जाए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है, तब तक खेतों में खुदाई नहीं करने दी जाएगी और ना मरम्मत का कार्य करने दिया जाएगा। मांगें पूरी होने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। खानपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। ये दो चार दिन पहले ही मुझे पता लगा कि पाइपलाइन का जो है मामला चल रहा है ना, तो हमारे पास कोई नोटिस है, लिखित में कोई नोटिस नहीं है। और वो कह रहे हमने दो नोटिस दिए, एक और दो, हमारे पास ना एक है ना दो है। और मैं कमलेश राव जी जो है इसके पाइपलाइन के चीफ हैं, उनसे भी मिला तो उन्होंने कोई अब तक कहा था कि मैं नोटिस भिजवा दूँगा, उनका कोई नोटिस नहीं आया और वो बात करने को तैयार नहीं है। और हम वहाँ मिलने गए थे तो वो मिले भी नहीं हमसे, ना उन्होंने कोई इस तरह की बात करी। और वो कह रहे थे कि हम आपसे पहले संतुष्ट करेंगे जब आपके लाइन में काम लगाएंगे। और उन्होंने हमने देखा कि उन्होंने इन्होंने नोटिस भी दिया, इन्होंने उसको कार्रवाई भी कर रखी है, लेकिन उसको कोई अनसुनी कर दी इन्होंने। अब मांग हमारी यही है कि इसे कम से कम 20 फुट तो नीचे उतारा जाए और जो सरकार का नियम अधिग्रहण का उस हिसाब से अधिग्रहण किया जाए, फसल का मुआवजा दिया जाए। किसान आज इकट्ठा हुए हैं, पीड़ित लोग हैं सब, इनकी ज़मीनों को बिना नोटिस दिए उन्हें खोद को बर्बाद करके जो है ना नुकसान किसानों को नुकसान देना चाह रहे हैं। और 20 साल पहले लोगों को चेक दिए गए थे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये बीघा के हिसाब से, उसमें ये नहीं पता कि हम पेड़ के पैसे दिए गए या फसल के दिए गए, 2-2, 4-4 हज़ार रुपये के हिसाब से दिए गए हमें। उनका ये नहीं पता कि हमें पैसे हमें कह के दिए गए, ये नहीं पता हमारे पास जो अंगूठे दस्तखत कराए हमें कह के कराए। अनपढ़ किसान हो, जानते नहीं थे कुछ,